हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में अक्सर इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग बहुत करते हैं कि हमारी दोस्ती ही सारी मुसीबतों की जड़ है, या फिर ये पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है, या फिर गाइस कुछ इस तरीके से कि आपको बहुत ज़्यादा बोलना ही सारी मुसीबतों की जड़ है। तो गाइस, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इफ रिक्वायर्ड, फिर हमें लगाना है द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, सारी परेशानियों की जड़, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है गाइज, तो अभी मैं आपको जब सेंटेंस बताऊंगा तो और अच्छे से कंसेप्ट आएगा। तो गाइज, मैंने ये 51 एडवांस स्ट्रक्चर की बेहतरीन ई बुक लिखी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। उस लिंक पे क्लिक करके आप गाइज उस बुक को खरीदो, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेली यूज के लिए बहुत अच्छे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। ओके गाइज, आइए देखते हैं वाक्य किस तरीके के वाक्यों को बोलेंगे। तो वाक्य है, हमारी दोस्ती ही सारी मुसीबतों की जड़ है, या सारी मुसीबतों की जड़ हमारी दोस्ती है। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, अवर फ्रेंडशिप इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। यहाँ देख रहे हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इज आ रहा है। ठीक है, तो अवर फ्रेंडशिप इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, आपका बहुत ज्यादा बोलना ही सारी मुसीबतों की जड़ है, या सारी मुसीबतों की जड़ आपका बहुत ज्यादा बोलना है। तो योर स्पीकिंग टू मच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। ठीक है, योर स्पीकिंग टू मच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। तो गाइज, हमारी वेबसाइट है इंग्लिश की लर्निंग डॉट इन, आप इस पर जाके जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, साथ ही टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलती है, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। क्योंकि गाइज, आइए देखते हैं अगला वाक्य, ये पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है, या सारी मुसीबतों की जड़ भाई ये पैसा है। तो दिस मनी, ये पैसा इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, सारी मुसीबतों की जड़ है। तो गाइज, अगर आपको भी पैसे से संबंधित जानकारी चाहिए और कहाँ कैसे क्या इन्वेस्ट करें जानकारी चाहिए, तो हमारा ब्लॉग है financetogyan.com हिंदी में, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड जानकारी हिंदी में मिल जाती है। ओके गाइस, आइए देखते हैं आखिरी वाक्य, तुम्हारी चतुराई ही सारी मुसीबतों की जड़ है, जो तुम चतुराई दिखाते रहते हो ना, तो सारी मुसीबतों की जड़ तुम्हारी चतुराई है। तो योर क्लेवरनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्लेवरनेस सिंगुलर है, इसलिए इज लग रहा है। तो योर क्लेवरनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। तो गाइज, होपली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वाले वाक्य अंग्रेजी बुला के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, ये कुर्सी सारी मुसीबतों की जड़ है। तो गाइज, होपली आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।